कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है। कुछ ऐसे ही प्यार में डूबी एक दो बच्चों की माँ उन्हें छोड़कर प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। दिलचस्प बात ये है कि युवक महज 19 साल का है और रॉन्ग नंबर से दोनों की बातें शुरू हुई थी, इसके बाद प्यार हुआ। मामला बिहार के जहानाबाद जिले का है। जब पुलिस ने दबिश देना शुरू की तो 2 महीने बाद प्रेमी प्रेमिका अचानक नगर थाने पहुंचे, जहां दोनों ने बताया कि उन्होंने सहमति से शादी कर ली है। वे दोनों जिंदगी भर साथ में ही रहेंगे। बताया गया कि घर से भागकर वो भागलपुर, मुंबई और गोवा घूम रहे थे। पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के प्राचीन देवी ऊंटा का बताया जा रहा है। हैरानी की बात ये भी है कि दो बच्चों की मां की उम्र 30 साल है, वहीं उसका प्रेमी 19 साल का है। परिजनों की माने तो ऊंटा मोहल्ले के रहने वाले रंजीत सिंह की शादी प्रिया कुमारी से करीब 10 साल पहले हुई थी। दोनों काफी अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अब अरबल मोड़ के पास किराए के मकान में रहने वाले सुमित कुमार से रॉन्ग नंबर के जरिए महिला की बातें होने लगी, जो बाद में प्यार में बदल गई। इसके बाद मुलाकातें हुई, प्यार परवान चढ़ा तो दोनों घर से भाग गए। जबकि दोनों के संबंधों को लेकर महिला के ससुराल वालों और मायके वालों को पता था, जिस पर उन्होंने प्रेमी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया, लेकिन महिला ने थाने में इसे झूठा बताया। आप दोनों कैसे मिले? क्यों बताया आपको? क्यों बताया? क्यों? थाना क्यों आया? जिसलिए आया है उसको बता चुके। किसको? कितना देर से आपको काफी अच्छा चल रहा था? बताइए कितना दिन से फिर चल रहा था? हाँ? अच्छा आपके बच्चे भी हैं? नहीं पता। आपके बच्चे नहीं हैं? हैं? अब आगे क्या करिएगा? यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाइएगा? पहले यहाँ से छूटूंगा। छूटिएगा तो कहाँ जाइएगा? यहाँ गए तो वहीं चल जाएंगे। जैसे कहाँ? जेल जा रहा। लड़का तो जेल जा रहा? हाँ। तो आप कहाँ जाइएगा? बोलते हैं जहाँ से आए वहीं जाएंगे। क्या वापस अपने ससुराल में जाना है? नहीं जाना। किसके साथ रहना? जिसके साथ गए थे उसी के साथ रहेंगे। लड़के के साथ? क्या नाम है लड़का का? समीर। कहाँ का है? अच्छा, कैसे मुलाकात हुआ था दोनों में? बातचीत कैसे हुई? अच्छा, केस के मामले में? कौन सा केस? कैसा केस? उसका फैमिली वाला मेरे तीनों पे केस कर दिया था, मेरी बाहर, मेरी माँ। किसका फैमिली वाला? क्या हुआ था, पूरी बात बता। जो मेरी बात है प्रिया सिंह, उसका फैमिली वाला मेरा फैमिली पे केस कर दिया था। अच्छा, ये बताओ कि तुम कोई शादीशुदा महिला को लेकर भाग गया था, क्या हुआ था? हाँ, बोली थी कि मेरे साथ रहोगे, मेरे चलोगे ना, कि हम बोले हाँ चलेंगे। तुमको पता है कितने बच्चों की माँ है वो? हाँ पता है, 2 बच्चे हैं। पता है 2 बच्चे की माँ। अच्छा, तो तुम लोग की पहली मुलाकात कहाँ हुआ, कैसे बातचीत हुआ? रॉन्ग नंबर से हुआ। रॉन्ग नंबर से? 3 साल पहले। 3 साल पहले? तो फिर आगे कैसे बात बढ़ा? आगे उसी बात बढ़ते रहा। हाँ, बात होते रहा। फिर मुलाकात कब हुआ? मुलाकात हुआ, मार्केट आती थी तो बोलते थे कि हम बस जाते थे। तो फिर भागने का प्लानिंग कैसे किया? भागने का प्लानिंग, हम घूमने के लिए गए थे, मेरा फ़ोन छिना गया था घर पे, बात करते थे तो बोले चलो मेरे साथ। हम बोले ठीक है। कहाँ गई भाग? भाग के कहाँ गया? गोवा। गोवा कितना दिन रहा? वहाँ तो डेढ़ 1 महीना रहे थे। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद मुंबई रहते थे 10 दिन, वहाँ रहते। फिर जहानाबाद कैसे पहुँचा? जहानाबाद फैमिली से कॉन्टेक्ट हुआ, बोला ऐसा ऐसा बात है। कैसा बात? केस किया है तो माँ के खाली तुम सब केस अति कर दो, रद्द करवा दो। उसके बाद अच्छा अच्छा जैसे आया जैसे चल जाना, वैसे हम लोग आए लेने चले आए। अच्छा, तुमको पता तुम्हारी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 19 साल हो रही है। अच्छा, उस महिला की उम्र है? 28 है। 28 है। 28 है। अब क्या करोगे, कि लोग साथ में रहोगे या क्या करोगे? साथ में रहने। साथ में रहोगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सुमित कुमार। अच्छा, कहाँ घर है? मेरा घर चीरी मुर्शिद में। अच्छा, ऐसे जहानाबाद में रहते हैं। महिला कहाँ गया? महिला के कोलकाता से रहे, उसका गाँव वहाँ गया।
उसकी शादी कहाँ हुई थी? जानवर डम जबरदस्ती शादी हुई उसका, जबरदस्ती शादी हुई। कैसे पता था? हमको बताई। क्या बताई? बोली थी कि हमको मेरा गार्जियन ऐसे ऐसे मैंने जबरदस्ती हमसे बिना पूछे हुए शादी कर दी, हमको नहीं पसंद था।